हेलो गाइज, वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल। आई एम मुस्कान एंड आई होप यू ऑल आर सेफ एंड डूइंग ग्रेट। सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर मेरी वीडियोज को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मेरा नाम मुस्कान सिंह है एंड आई एम अ कैबिन क्रू विद एयर एशिया। सो इस चैनल पर मैं कैबिन क्रू से रिलेटेड ब्यूटी, फैशन, स्टाइलिंग, ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोज अपलोड करती रहती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नीचे सब्सक्राइब बटन दिया गया, यू जस्ट हैव टू प्रेस द सब्सक्राइब बटन, दैट्स इट। एंड साइड में दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहे। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, काफ़ी सारे लोगों के मन में एक डाउट रहता है कि कैबिन क्रू का इंटरव्यू क्रैक करने के बाद, कैबिन क्रू का इंटरव्यू में सिलेक्शन होने के बाद, जो ट्रेनिंग के टाइम पे हमें कैब्स प्रोवाइड की जाती हैं, एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, टिकट्स प्रोवाइड की जाती हैं, ये सब हमें अपने साइड से अरेंज करना पड़ता है या फिर एयरलाइन हमें ये चीज़ प्रोवाइड करती है। सो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगी, आपके साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करूंगी। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें जो आपको पता होनी चाहिए, तो कहीं वो चीज़ स्किप ना हो जाए। एंड गाइज, वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे मेरी सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन एंड जो भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ हैं कैबिन क्रू से रिलेटेड, वो आप तक पहुँचे। एंड साइड में बेल आइकन है, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, उससे मेरी आने वाली सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेंगी। So without any further delay, let's start with the video. Guys, after cracking your cabin crew interview, there is one more round, that is your medical round. And it is mandatory to crack that round, then only you are eligible for cabin crew training. Because medical round clear किए बिना आपको airline आगे training के लिए नहीं भेजती है। जब आप अपना medical round clear कर लेते हो, आपको अपना medical certificate सबसे पहले airline को mail करना होता है। Airline जब वो medical test आपका देख लेती है, आपके जितने भी certificates हैं वो देख लेती है कि आपने medical round clear कर लिया है, then उसके बाद कुछ time बाद वो आपको एक mail भेजती है, जिसमें आपकी टिकट्स प्लस आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग लिखी रहती है कि आपको किस डेट से ज्वाइनिंग करनी है। गाइस, फर्स्ट थिंग इज़ योर एकोमोडेशन। एंड मैंने काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुनी है, क्या दी हमें कैबिन क्रू ट्रेनिंग के टाइम पे एकोमोडेशन मिलती है, क्या एयरलाइन हमें रहने के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं? सो द आंसर इज येस। गाइज, आपकी कैबिन क्रू ट्रेनिंग 3 months की होती है, जिसमें से आपको 15 डेज के लिए एयरलाइन एकोमोडेशन प्रोवाइड करती है। एंड 15 डेज बाद आपको अपना एकोमोडेशन खुद सर्च करना पड़ता है, आपको अपने लिए खुद एक होम रेंट पे देखना पड़ता है, क्योंकि 15 डेज बाद आपको एयरलाइन उससे ज़्यादा एकोमोडेशन प्रोवाइड नहीं करती। गाइज, एकोमोडेशन की सारी जो डिटेल्स होती हैं, वी कैन से एड्रेस, हमें कहाँ पर रहना है, कैसे जाना है, ये सारी चीज़ें आपको एयरलाइन या तो मेल के थ्रू या तो वो व्हाट्सएप पर आपका एक ग्रुप क्रिएट कर देते हैं, जिसमें आपको सारी डिटेल्स शेयर कर देते हैं। बिकॉज बहुत सारे एयरलाइंस ऐसे हैं जिनके बेस डिफरेंट डिफरेंट सिटी में होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप दूसरे सिटी से आते हो। फॉर एग्जांपल, मैं दिल्ली से थी बट मेरी ट्रेनिंग बैंगलोर में हुई थी, तो ये सेम चीज़ मेरे भी माइंड में आई थी कि वहाँ जाने के बाद मैं कहाँ पर रहूँगी, कैसे रहूँगी। एकदम जाते ही तो इट इज़ नॉट पॉसिबल कि मैं कोई रूम देख लूँ या ऐसा कुछ। सो हमारे को भी ऐसे हमारी सारी डिटेल्स शेयर कर दी गई थी। मेरे टाइम पे एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट हुआ था, जिसमें मेरी सारी डिटेल्स मुझे दी गई थी। सो इस टाइप से आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। गाइस, जब मैं एयर एशिया में ट्रेनिंग के लिए गई थी, तब हमें 2 BHK का फ्लैट प्रोवाइड किया गया था, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बिल, फूड, क्लीनिंग, ये सारी चीज़ें एयरलाइन की तरफ से ही थी। हमें वहाँ पर सिर्फ रहना था, अपनी ट्रेनिंग के लिए जाना था और आना था। हमारा मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये सब चीज़ एयरलाइन ही हमें प्रोवाइड करती है। एंड कुछ एयरलाइन आपको होटल एकोमोडेशन भी प्रोवाइड करती हैं। सो जाने के बाद आपको ऐसे एकोमोडेशन प्रोवाइड किया जाता है, बट हर एयरलाइन का टाइम पीरियड डिफरेंट होता है। जैसे एयर एशिया 15 डेज के लिए प्रोवाइड कर रहा है, मे बी दूसरी एयरलाइंस कुछ ज़्यादा दिन के लिए प्रोवाइड कर सकती है, लाइक फॉर अ मंथ, और कह सकते हैं कि 15 डेज से कम भी प्रोवाइड कर सकती है, फॉर 10 डेज। सो इस तरीके से बाकी एयरलाइंस भी आपको प्रोवाइड करती हैं। गाइस, दिस सेकेंड थिंग इज़ योर ट्रांसपोर्टेशन। सो आपकी ट्रेनिंग के टाइम पे जो पिकअप ड्रॉप के लिए आपको कैब्स मिलती हैं, वो आपको खुद अपने साइड से अरेंज करनी पड़ती है या फिर एयरलाइन प्रोवाइड करती है? सो द आंसर इज़ कि आपको एयरलाइन ये कैब्स प्रोवाइड करवाती हैं। गाइस, आपको एयरलाइन किसी भी पर्पज़ से अगर वो आपको कहीं भेज रहे हैं, ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं या फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रहे हैं, इन सभी चीज़ों के, जहाँ पे भी एयरलाइन आपको अपने पर्पज़ से कहीं पे भेज रहे हैं, वहाँ पे आपको वो ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड करेंगी। बट जहाँ आप अपने पर्पज़ के लिए, अपने यूज़ के लिए जा रहे हो, सपोज़ आप घूमने के पर्पज़ से कहीं गए, तो उन सब चीज़ों के लिए आपको एयरलाइन कैब प्रोवाइड नहीं करवाती है। एक चीज़ और आप लोगों के माइंड में आ सकती है कि जैसे एकोमोडेशन हमें 15 डेज के लिए प्रोवाइड किया जा रहा है, क्या कैब भी हमें सिर्फ 15 डेज के लिए प्रोवाइड की जाती है? सो गाइज, द आंसर इज़ नो। आपको कैब थ्रू आउट योर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इवन ट्रेनिंग के बाद फिर आप जब क्रू बन जाते हो, तो उसमें भी आपको कैब तो मिलती ही है। आपको किसी भी पर्पज़ से भेजा जा रहा है, चाहे ट्रेनिंग आज यहाँ हो रही हो या कल आपकी ट्रेनिंग कहीं और हो रही हो, आपको एयर टिकट
और कैब फैसिलिटीज एंड एकोमोडेशन प्रोवाइड की जाएगी। गाइस, अगर आपको एयरलाइन अपने पर्पस से किसी और सिटी में ट्रेनिंग के पर्पस या किसी भी चीज के पर्पस से भेज रही है, तो वहाँ पे भी वो आपको एकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं, कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं एंड आपको एयर टिकट्स भी वही प्रोवाइड करते हैं। थर्ड थिंग इज दैट, क्या एयरलाइन हमें एयर टिकट्स प्रोवाइड करती हैं या नहीं? तो गाइस द आंसर इज येस। गाइस, अगर आपको एयरलाइन अपने पर्पस के लिए लाइक ट्रेनिंग के लिए बुला रहे हैं या फिर आपकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है, आपको वापस आपके बेस पे भेजा जा रहा है, तो इन सब चीज़ों के लिए एयरलाइन आपको एयर टिकट्स प्रोवाइड करती है। एंड गाइस, लेट मी टेल यू एन एग्जांपल। जैसे आई एम फ्रॉम दिल्ली बट मुझे बेस मेरा कोलकाता मिला था, तो क्या कोलकाता जाने के लिए मुझे एयर टिकट्स मिली थी या फिर नहीं? सो गाइस, मुझे कोलकाता जाने के लिए भी एयरलाइन ने ही टिकट्स दी थी एंड कोलकाता जाने के बाद वहाँ पे मुझे एकोमोडेशन भी एयरलाइन ने ही दिया था फॉर 15 डेज, ताकि 15 डेज बाद मैं अपना घर ढूंढ सकूँ एंड फिर वहाँ पे शिफ्ट हो सकूँ। अगर आपको दूसरे बेस पे भेजा जा रहा है, तो उसके लिए भी आपको एयरलाइन एकोमोडेशन, एयर टिकट्स एंड कैब फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एनी पर्पस अगर आपको एयरलाइन कहीं पे भेज रही है, उसके लिए भी आपको एयर टिकट्स प्रोवाइड की जाती है। बट अगेन, आपके पर्सनल यूज़ के लिए नहीं दिया जाता है। लाइक अगर आप कहीं घूमने जा रहे हो, आप अपने किसी रिलेटिव से मिलने जा रहे हो, सो इन सब चीज़ों के लिए एयरलाइंस आपको टिकट्स प्रोवाइड नहीं करवाती हैं। अगर आपको एयरलाइन किसी और बेस पे भेज रही है, सपोज जब मुझे कोलकाता भेजा गया था, तब वहाँ पे मुझे होटल एकोमोडेशन मिला था, वहाँ हमें 2 BHK का फ्लैट नहीं मिला था, क्योंकि बैंगलोर उनका बेस है, हब है, इसीलिए हमें वहाँ पर 2 BHK का फ्लैट मिल गया था। बट कोलकाता में जाने के बाद हमें होटल एकोमोडेशन मिला था। एंड गाइज, आपको एयरलाइंस होटल्स भी 5-star प्रोवाइड करवाते हैं, दैट्स द गुड थिंग। आपकी पूरी सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है। हर एयरलाइन का अपना डिफरेंट पॉलिसी होता है। मैंने जो भी चीज़ें आज शेयर की फैसिलिटीज़ में, चाहे वो एकोमोडेशन हो, कैब फैसिलिटी हो, एयर टिकट्स हो, ये सारी एयर एशिया ने हमें प्रोवाइड की थी, और भी एयरलाइंस प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को। बट हर किसी का एकोमोडेशन का जो एक डे होता है, मतलब डेट होता है कि हाँ इतना पीरियड तक वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, वो डिफरेंट हो सकता है। उसमें मे बी एयरलाइंस डिफर कर सकती हैं। गाइस, चाहे एयरलाइन आपको ट्रेनिंग के लिए भेज रही है, किसी भी पर्पज़ से कहीं पर भी भेज रही है, आपकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी एयरलाइन उठाती है, चाहे आपका रहने का हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन का हो, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। ये थी कुछ बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए अगर आप कैबिन क्रू बनना चाहते हो, तो ताकि कल को अगर आप कैबिन क्रू बन जाओ, ट्रेनिंग के लिए जाओ, तो आपको पता हो कि हाँ मेरी ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एयरलाइन उठाने वाली है, आपको खुद प्रिपेयर करने का टाइम मिले खुद को, ना कि इन सब चीज़ों में टेंशन लेने का। सो गाइज, आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, क्योंकि मैंने अपने साइड से बहुत ट्राई किया कि आपको मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर पाऊँ। गाइज, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो एंड फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल एंड इन्फॉर्मेटिव। इफ येस, then do like and share this video, share it with your friends and family who wants to become cabin crew. And guys, if you want to ask something, just feel free and comment down in the comment section, or you can message me on Instagram and Facebook. I will see you guys in the next video. Till then, bye and take care. Bye.